ब्रज का कण कण कान्हा की लीलाओं से भरा हुआ है। आज जन्माष्टमी के अवसर पर आपको बताने जा रहा है ऐसे खास पेड़ों के बारे में जिनसे फल नहीं बल्कि मोती झड़ते हैं। आज भी ब्रज आने वाले भक्त इन मोतियों को बटोर कर घर ले जाते हैं। माना जाता है कि इनसे घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। मथुरा में बरसाना और नंदगांव के बीच में मोती कुंड मौजूद है। यह कुंड तीन तरफ से पीलू डोगर के पेड़ों से घिरा हुआ है। इस पेड़ में मोती जैसे फूल होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन पेड़ों को कान्हा ने नंदबाबा के दिए कीमती मोतियों को बोकर उगाया था। बरसाना के विरक्त संत रमेश बाबा बताते हैं कि गर्ग संहिता, गौतमी तंत्र समेत कई ग्रंथों में इस महान कुंड और राधा कृष्ण की सगाई का वर्णन है। गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला के बाद दोनों की सगाई हुई थी। सगाई के दौरान राधा के पिता वृषभानु ने नंद बाबा को उपहार में मोती दिए। तब नंद बाबा चिंता में पड़ गए कि इतने कीमती मोती कैसे रखें। श्री कृष्ण चिंता समझ गए। उन्होंने माँ यशोदा से लड़कर मोती ले लिए। घर से बाहर निकलकर कुंड के पास जमीन में मोती बो दिए। जब यशोदा ने कृष्ण ने पूछा कि मोती कहाँ है, तब उन्होंने इसके बारे में बताया। नंद बाबा भगवान कृष्ण के कार्य से नाराज हुए और मोती जमीन से निकाल कर लाने को लोगों को भेजा। जब लोग यहाँ पहुँचे तो देखा कि यहाँ पेड़ उग आए हैं और पेड़ों पर मोती लटके हुए हैं। तब बैलगाड़ी भरकर मोती घर भेजे गए। तभी से कुंड का नाम मोती कुंड पड़ गया। माना जाता है कि श्री कृष्ण और राधा के बीच सांसारिक रिश्ते नहीं थे, लेकिन नंदगांव का यह मोती कुंड आज भी दोनों की सगाई की गवाही देता है। आज भी ब्रज 84 कोस यात्रा के दौरान यहां लोग यहां पर मोती जैसे फल बटोरने आते हैं। यह डोगर पीलू का पेड़ है। पूरे ब्रज में कुछ ही जगह ये पेड़ हैं, लेकिन मोती जैसे फल सिर्फ मोती कुंड के पास मौजूद पेड़ में ही मिलते हैं।